गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? यू नो आई जस्ट वांटेड टू डू दिस क्लीन गर्ल मेकअप लुक बट ऑन रेड लिप्स। हर टाइम से मेरा रेड लिप्स करने का बहुत दिल चाह रहा था कि यार बहुत हो गए लाइट कलर्स, लेट्स डू सम रेड। तो आज एज आई वॉन्ट टू डू रेड लिप्स, तो इस वजह से आज हम ऐसा थोड़ा क्लीन सा लुक करेंगे। एवरीथिंग वी विल कीप सटर एंड लो, बट वी विल गो अ डार्कर शेड ऑन लिप्स। तो जस्ट वॉन्ट बोल्ड रेड लिप्स। या सो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट इनटू द वीडियो। गाइस तो हम थोड़ा अमीर दिखने के लिए ये क्लिप्स लगा लेते हैं बालों में, जिससे लोगों को लगे वाह ये तो बहुत स्टैंडर्ड मेकअप आर्टिस्ट है ना। ऐसे लगाने से क्या हमें बाल नहीं आएंगे थोड़ा। गाइस तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वाटर क्रीम यूज करेंगे। वी कैन स्किप प्राइमर ऑल्सो इफ यू आर यूजिंग वाटर क्रीम, बिकॉज हमें बहुत ज्यादा हैवी मेकअप करना नहीं है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो सबसे पहले हम वाटर क्रीम लगा लेते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज कंसीलर। कंसीलर के लिए आई एम टेकिंग टू शेड्स, विच वन इज अ लाइटर टोन शेड एंड विच वन इज समथिंग टू माय टोन। सो या just take this lighter shade for highlighting the areas. Guys now just take a blender, hum ek blender lena hai. Take a setting spray and just spray it on the blender. So the next thing is contour. So, take a contour stick, open it and start from यहाँ से यहाँ जोड़ो और देखो कि कहाँ पे हमारी लाइन बनती है contour, okay? After that, take a lighter shade of concealer and just a little bit here. That's a my way of contouring, okay? गाइस सो अभी हमने जो भी कंसीलर कॉन्टोरिंग करी थी अब हमें उसे सेट करना है। टेक अ पफ लाइक दिस। अब हमें इसको डिप करना है हमारे लूज पाउडर, जस्ट मेक अ लाइन लाइक। हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, व्हाई? बिकॉज हम ऐसे डिप करके नहीं छोड़ रहे, हम उसी टाइम क्लीन भी करेंगे बिकॉज हमें क्लीन रखना है मेकअप को। ओके गाइस सो वी आर ऑन द आईब्रोज। गाइस सो वी आर डन विद द आईब्रोज। कंसीलर, आई कंसीलर के लिए ओके आई कंसीलर के लिए यू कैन इवन यूज द हाइलाइटिंग कंसीलर एज वेल। बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, जस्ट मच ओनली एंड जस्ट ब्लेंड इट गाइस। आईज क्लोज रखिएगा ड्यूरिंग कंसीलर, इसलिए मैं एंड में करती हूँ बिकॉज हम खोलते हैं तो क्रीजिंग होने लगती है। ओके गाइस हमने अपर आईलिड पे कंसीलिंग कर ली है। क्या हमने एक बार नोटिस करी आज हमने फाउंडेशन यूज नहीं किया है? सो या तो आई एम टेकिंग दिस शेड
a very light shade. गाइस तो मैंने इनर कॉर्नर्स पे एकदम लाइट न्यूट्रल सा शेड लगा लिया है. ओके गाइस, सो नाउ अब हम थोड़ा आउटर कॉर्नर पे, आईज के आउटर साइड पे हम थोड़ा डार्क ब्राउन शेड लेंगे. ओके गाइस, तो हमारा आई मेकअप डन हो चुका है. मैं थोड़ा सा और कम करना चाहती थी बट वो करती गई तो वो हो गया मुझे. गाइस लाइनर लगाते लगाते एक मेरे साथ बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया. ये वाली चोट ज्यादा बाहर चली गई है और इट्स प्रिटी, ये चोट बाहर चल गई है तो मुझे इसे सही करना होगा. और उसके लिए मैंने एक हैक देखा था, एक टेप लीजिए उसका थोड़ा सा गम कम कर दीजिए. अगर अब अगर आप इसको आपके आईलाइनर पे लगाते हो और इसे खींच लेते हो तो आपके साथ हो जाएगा जादू. गाइस तो मेरा हमारे लाइनर का काम हो चुका है. ओके इट्स लुकिंग प्रिटी. लाइनर थोड़ा सा हमने बोल्ड किया है ना, हम थिंकिंग कि क्यों ना हम थोड़ा सा इसको शार्प कर देते हैं आगे से. ओके गाइस तब हम चलते हैं मस्कारा पे. टेक अ लाइट ब्राउन आई शेडो. So we'll be doing a brown shade of brush. Guys, so for highlighter I'm thinking of a copper shade. Okay guys, so here comes the last and the most awaited part of this video, that is lipstick. So hum ek proper tarike se lipstick lagana bhi seekh lete hain aur hum एक रेड लिपस्टिक लग भी कर लेंगे. टेल मी आपको मेरी आईज एंड एवरीथिंग इज लुकिंग ऑन पॉइंट और नॉट, इज इट ओके? ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द लिपस्टिक. लिपस्टिक के लिए हमें लिप लाइनर लेना है. कोई सा रेड कलर लेके ओके गाइज आई एम लविंग दिस लुक. टेल मी आपको कैसे लग रही है मेरे रेड लिप्स, क्योंकि रेड लिप्स अच्छे लगते हैं यार, कुछ भी कलर रेड लिप्स लगते हैं. एंड मैं फटाफट ना हेयर चेंज कर गया था एंड देन आई विल शो यू द फुल लुक. ओके वेट फॉर इट. ओके गाइज सो दिस इज माई फाइनल लुक. आप बताओ आपको ये लुक कैसे लगा है एंड इफ यू लाइक दिस लुक और आपको ये पूरी इतनी मेहनत कर रही हूँ पसंद आ रही है, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. और फॉर मोर सच वीडियोस यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम गिविंग द लिंक बिलो. ठीक है और चलो अब बताओ आपको मेरा रेड लिपस्टिक लुक कैसा लगा एंड आई एम लविंग इट. ऐसा लग रहा है कि चेंज हो गई हूँ, यशस्वी नहीं रही. ठीक है, bye, thank you for watching and ध्यान रखना.